नमस्कार, मेरा नाम अंश और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे चैनल न्यूज़ी वर्ल्ड पर। एक क्रिकेट टीम को पूरी दुनिया में नंबर वन बनने के लिए क्या चाहिए? अच्छे चयनकर्ता, उमदा प्लेयर्स, शानदार सपोर्टिंग स्टाफ और एक ऐसा कप्तान जो सबको साथ लेकर चले। टीम इंडिया के पास ये सब है, लेकिन भारत टीम इंडिया पिछले 11 साल से सबसे खराब दौरे में नजर आ रही है। साल 2011 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हम किसी भी बड़े टूर्नामेंट में चैंपियन नहीं रहे हैं, चाहे वो आईसीसी ट्रॉफी हो या एशिया कप, कोई खिताब हमारे पास नहीं है। टीम इंडिया 28 साल के बाद 2011 में वनडे वर्ल्ड कप में चैंपियन बनी थी। 2015 तक ये ट्रॉफी हमारे पास रही थी, लेकिन फिर 2015 में हम इसे डिफेंड नहीं कर पाए और ऑस्ट्रेलिया टीम चैंपियन बन गई। 2015 में वर्ल्ड टाइटल गंवाने से पहले 2013 में धोनी की कप्तानी में भारत ने चैंपियन ट्रॉफी जीता था। 2017 में हम फाइनल तक पहुंचे थे और पाकिस्तान से फाइनल में हार गए। 2017 में चैंपियन ट्रॉफी का ताज गंवाने से पहले 2016 के एशिया कप में माही की कप्तानी में हम चैंपियन बने थे। फिर 2018 का एशिया कप हम रोहित शर्मा की कप्तानी में फिर से चैंपियन बने थे। यानी 2011 से 2022 तक हम किसी न किसी बड़े टूर्नामेंट के चैंपियन रहे, पर 2022 में हम एशिया कप के फाइनल में नहीं पहुंच पाए और सुपर फोर राउंड में ही बाहर हो गए। इससे पहले हमारे पास 2021 में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जीतने का मौका था, लेकिन फाइनल में टीम को न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा। तो ये था कुछ टाइम से भारत का बुरा दौर। अब 2022 में फिर से T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, आपको क्या लगता है इंडिया अपने बुरे दौर से निकल पाएगी? तो आज की वीडियो बस इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ी वर्ल्ड।